हीरो चैप्टर 11 का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस क्या होती है, उसके बाद हम हीट इंजन पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कार्नो इंजन और एंट्रोपी हम देखेंगे। एक गैस के एक मोल को मैं अगर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे जितनी हीट चाहिए होती है वो मैं कहती हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। हर गैस के लिए अलग होती है और उसको दो तरीकों से मेजर किया जाता है, या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कह देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी, या फिर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और उसको हम कह देते हैं सीपी। कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें एनालिसिस करने में आसानी हो, हमें पता चले कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से क्या असर पड़ा है। अगर हम सब चीज़ें मिक्स रखें तो हमारे लिए एनालिसिस मुश्किल हो जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी होता है। अगर हम देखना चाहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं उसका मैं वॉल्यूम फिक्स कर देती हूँ, एक पिस्टन, इसको मैंने लॉक कर दिया, ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो और मैं नीचे से इसको हीट करती हूँ, यहाँ से मैंने आग जलाई, तो मेरा जो चेंज इन हीट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक वो इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस अगर ये सिस्टम कोई वर्क करेगा उसके बराबर हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी कि जो मेरे मोलर स्पेसिफिक हीट थी, यानी एक डिग्री एक मोल को बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए थी उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ चेंज इन टेम्परेचर से, तो मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आ जाएगा, प्लस वर्क डन इस केस में जीरो होगा क्योंकि मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इस वजह से वर्क डन जीरो होगा। तो ये मेरी टोटल हीट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं एक चीज़ रखना चाहती हूँ तो मुझे उसका वॉल्यूम फिर चेंज करना पड़ता है। ये पिस्टन अब फ्री है, ये ऊपर नीचे मूव करेगा, अगर मैं इसको नीचे से हीट करूँगी तो जो हीट मैं इसको दे रही हूँ वो बदल जाएगी इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। इस केस में वो वर्क परफॉर्म करेगा जो कि हमें पता होता है, हमने पहले कर चुके हैं, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम प्लस इंटरनल एनर्जी उसकी जितनी चेंज होगी, और ये बराबर होगी हमारी जो हीट है। और हीट हमने कैसे कैलकुलेट की थी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय जितना टेम्परेचर चेंज हुआ। अब हमने सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी पता करनी है कि इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी चेंज होगी। फर्स्ट केस में तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी, सारी की सारी हीट, हीट जितनी थी हमारे पास वो सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, वर्क जीरो था। मगर इस केस में ऐसा नहीं है, मगर हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके ऊपर उसका टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी रेज की एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए एग्जैक्टली टेम्परेचर को एक डिग्री बढ़ाने के लिए। ये एक अलग बात है कि उसका साथ साथ वर्क भी परफॉर्म हो रहा है, मगर इंटरनल एनर्जी मुझे उतनी ही चाहिए। तो मैं ये वाली इंटरनल एनर्जी इधर लिख सकती हूँ, सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा वी सी पी इंटू डेल्टा टी, ये मैंने लिख दिया। पी वी को मैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन मैं 1 लेती हूँ 1 मोल के लिए, पी वी आर इंटू टी होता है, आर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर हमने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है इस केस में हम देख रहे हैं। तो मैं इसको CV delta T plus R into delta T लिख सकती हूँ, delta T तीनों साइड से कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा CP is equal to CV plus R times delta T। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो हीट चाहिए होती है वो ज़्यादा होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो चाहिए होती है वो कम होती है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आना होता है और साथ साथ वर्क भी परफॉर्म हो रहा होता है। अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो हीट इनपुट लेता है, उसको हम इनपुट में हीट देते हैं और ये उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं हीट इंजन। और ऐसा सिस्टम कैसे काम करेगा, इसको जरूरत होगी हीट कहां से आ रही है, एक हीट सोर्स से आ रही है और ये इसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। मगर ये सिस्टम कभी भी काम नहीं कर सकता जब तक हम इस हीट इंजन के साथ एक हीट सिंक ना लगाएं। ये
क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से, जो कि हमें बताता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ सफ़र करती है और कभी भी लो से हाई की तरफ नहीं जाती। इसलिए हीट ने अगर ट्रैवल करना है तो वो हीट को एक सिंक की ज़रूरत है जो हीट सोर्स से मुख्तलिफ टेम्परेचर पे है, लोअर टेम्परेचर पे है। तो फिर हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ सफ़र करेगी नेचुरली, और फिर उस को इस्तेमाल करते हुए हम उसके बीच में एक ऐसा सिस्टम लगा देंगे जो उस हीट के फ्लो से को वर्क में कन्वर्ट करेगा। ये ऐसा ही है जैसे पानी हमेशा ऊपर की सतह से नीचे की सतह की तरफ सफ़र करता है नेचुरली, और हम फिर इस पानी के फ्लो को इस्तेमाल करते हुए बीच में हम कोई इक्विपमेंट लगा सकते हैं जो जैसे वाटर मिल होता है वो इसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि हम एक कंटेनर लेते हैं और उसके ऊपर हम एक पिस्टन लगाते हैं, उसको अगर हम नीचे से आग जला के इसके अंदर हीट ट्रांसफर करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है और फिर ये पिस्टन ऊपर को मूव कर लेता है, वर्क परफॉर्म करता है। तो हीट इंजन एक कोई भी एक ऐसा सिस्टम होता है जो हीट को ले रहा है और उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। मगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है कि हमें हमेशा एक लो टेम्परेचर पॉइंट चाहिए जो सोर्स से कम टेम्परेचर पे हो, तब हीट फ्लो करेगी। जब हीट फ्लो करेगी तो फिर हम उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने कितना वर्क किया, हम कहते हैं कि हीट सिंक टोटल हीट Q1 आ रही थी, कुछ उसमें वर्क में कन्वर्ट हो गई और बाकी की सिंक में चली गई। तो हम चाहते थे कि वर्क कितना हो, जितनी हमने हीट डाली है सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, मगर सारी नहीं हुई, माइनस कुछ हीट सिंक में चली गई, क्योंकि हम हीट को फ्लो कराएंगे तो वर्क परफॉर्म होगा। तो वर्क टोटल हमारा Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। इसी इक्वेशन की मदद से हम हीट इंजन की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट क्या है? Q1 माइनस Q2, जो टोटल मेरा नेट वर्क हुआ है, और इनपुट क्या थी? Q1। तो ये मेरी एफिशिएंसी आ जाती है, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 हीट इंजन की एफिशिएंसी है। कार्नो इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन है या थियोरेटिकल इंजन आप कह सकते हैं, कि असल में इसको हम नहीं बनाते क्योंकि ये एफिशिएंट थियोरेटिकली बहुत एफिशिएंट होता है पर असल में बहुत कम एफिशिएंट होता है। इसकी हम अब अभी वजह देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग एक 4-स्टेप प्रोसेस है जिसमें हीट वर्क में कन्वर्ट होती है 2 स्टेप्स में, और फिर बाकी के 2 स्टेप्स में वर्क वापस हीट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले जो स्टेप है वो उसमें हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं। अगर हम इस पी वी डायग्राम को देखें, हम करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर एक गैस है, इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है। हम इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड होने देते हैं, यानी ये पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है मगर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको याद हो तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और अगर हम फर्स्ट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चेंज इन हीट वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। चूंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो जीरो होती है और सारे का सारा वर्क हीट में कन्वर्ट होता है। अभी इस वक्त वर्क हमें इंजन परफॉर्म करके दे रहा है, वर्क आउटपुट है, तो हीट इसको चाहिए। ये हीट लेगा हीट सोर्स से इसने हीट ली माइनस Q1, इसने हीट एब्जॉर्ब की और इसने हमें वर्क परफॉर्म करके दिया, और सारा वक्त इसका टेम्परेचर T1 रहा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था, हमने टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया। और यही वजह है कि थ्योरेटिकली कार्नो इंजन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई इंजन वर्क परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका टेम्परेचर हाई से लो पे ड्रॉप हो रहा होता है, मगर जब ये वर्क परफॉर्म कर रहा है तो इसका टेम्परेचर पूरा वक्त एक ही रहता है। जब टेम्परेचर में फ़र्क नहीं होगा तो हीट हमारी ज़ाया नहीं होगी। मगर जब हम इस पॉइंट पर आ गए, पिस्टन हमारा ऊपर चला गया, तो अब हम चाहते हैं कि पिस्टन वापस नीचे आ जाए, क्योंकि साइकिल तब चलती है पिस्टन ऊपर नीचे होता रहे। ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि पिस्टन हमेशा ऊपर ही जाए, हमने पिस्टन को अब नीचे लेके आना है। पिस्टन को जब मैं नीचे लेके आऊंगी तो जब वर्क मैं इसके ऊपर परफॉर्म करूंगी तो हीट ये बाहर निकालेगा, हीट सिंक में हीट भेजेगा। मगर अगर मैं हाई टेम्परेचर पर ये सारा काम करती हूँ, टेम्परेचर T1 पे हूँ, तो फिर हीट सिंक में ज़्यादा जाएगी। मैं इसको लो टेम्परेचर पर लेके आना चाहती हूँ, फिर मैं लो टेम्परेचर पे इसको कंप्रेस करूंगी ताकि ये हीट कम निकाले, हीट सिंक में कम जाए। तो फिर लो टेम्परेचर पे लाने के लिए मैं क्या करती हूँ? एडियाबैटिक एक्सपेंशन करती हूँ, इसको मजीद ऊपर लेके जाती हूँ। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि वो इतना क्विक प्रोसेस होता है कि हीट को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलता, डेल्टा क्यू जीरो होता है। और फिर जब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्यू जीरो हो जाता है तो वर्क सारे का सारा इंटरनल एनर्जी परफॉर्म करी होती है। वर्क परफॉर्म कर रहा है इंजन, हमें वर्क परफॉर्म करके दे रहा है, ऊपर जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, मगर वो वर्क हीट की वजह से नहीं हो रहा, हीट सिंक से नहीं ले रहा वो हीट। वो कौन सी
कहाँ से आ रही है वो एनर्जी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की, उस गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है। जब वो वर्क परफॉर्म करेंगी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर हमारा ड्रॉप होकर टी टू पर चला जाएगा। अब मैं यही चाहती थी मेरा टेम्परेचर टी टू पर चला जाए। अब मैं इसको आइसोथर्मली कंप्रेस करूंगी, यानी मैं पिस्टन को अब लो टेम्परेचर पे नीचे लेके आऊंगी, पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाऊंगी, और उसमें क्या होगा कि वो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, मगर इस दफा मैं वर्क कर रही हूँ। मैं वर्क करूंगी तो हीट बाहर निकलेगी, क्यू टू हीट बाहर निकलेगी, हीट सिंक में चली जाएगी, और टेम्परेचर सारा वक्त टी टू रहा। अब मैं पॉइंट डी पे आ गई हूँ, अब मैं पिस्टन को वापस ले आई जहां पर मैं लेके आना चाहती थी। अब मेरा नया साइकिल स्टार्ट होने के लिए तैयार है, मगर एक मसला है, जब मेरा साइकिल स्टार्ट हुआ था तो मैं टेम्परेचर टी वन पे थी, ए वन में टेम्परेचर टी वन था मेरा, मुझे दोबारा से साइकिल स्टार्ट करना है तो मुझे वापस हाई टेम्परेचर पे आना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन करूँगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन करूँगी, मैं मजीद उसके ऊपर वर्क करूँगी, मजीद पिस्टन को नीचे पुश करूँगी, मगर एडियाबैटिकली इतनी तेज़ी से कि हीट को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो सारे का सारा जो मैं वर्क उसके ऊपर परफॉर्म करूँगी वो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, और यूँ उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, मैं वापस पॉइंट ए पे चली जाऊँगी, और फिर यही साइकिल बार बार चलता रहेगा। मैं पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, और फिर डी से वापस ए पे जाऊँगी। ये इंजन एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि जब वर्क परफॉर्म करा होता है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, मगर ये थियोरेटिकली एफिशिएंट है, मगर प्रैक्टिकली इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं। जब हमें टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, ये पिस्टन मुझे इतना आहिस्ता ऊपर को मूव करना पड़ता है अगर मैं टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना चाहती हूँ, कि ये मेरे लिए फिर इतना आहिस्ता ही चलता है कि फिर मुझे फ़ायदा कोई नहीं होता, मगर थियोरेटिकली ये मुझे अपर लिमिट देता है कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन डिज़ाइन करना मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं इंजन की परफॉर्मेंस को कार्नो इंजन की परफॉर्मेंस के साथ मेजर करके देखती हूँ कि ये आइडियल है, इससे कितना करीब मैं ला सकती हूँ अपने इंजन की एफिशिएंसी को। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को एक और तरह से बयान करने के लिए, थर्मोडाइनमिक्स को टी डी लिख रही हूँ, एक और तरह से बयान करने के लिए एक नया वेरिएबल डिफाइन किया एक साइंटिस्ट ने, और उस वेरिएबल का नाम रखा गया एंट्रोपी। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर, किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है। अब हम इसको हीट और टेम्परेचर और जो सेकेंड लॉ की बाकी वेरिएबल्स थे उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम कहते हैं एंट्रोपी होता है हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अगर हम एक क्वांटिटी ऑफ हीट लें क्यू, और वो पहले एक ऐसे सिस्टम में थी जिसका टेम्परेचर टी वन था, और फिर वो हीट फ्लो करके एक ऐसे सिस्टम में चली गई जिसका टेम्परेचर टी टू था, तो इसकी एंट्रोपी हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई टी वन, ये पहले सिस्टम की एंट्रोपी थी, और फिर दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी थी क्यू डिवाइडेड बाई टी टू, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ हीट हमने फिक्स रखी है, क्यू ही टी वन में थी और क्यू ही टी टू में शिफ्ट हो गई, टी टू में पहले से कोई हीट नहीं थी। अगर मैं पहले सिस्टम की एंट्रोपी को दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी से सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक टी वन हमेशा टी टू से बड़ा होगा, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो करेगी। तो टी वन अगर बड़ा है तो क्यू को हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बड़ा नंबर आएगा, इसका मतलब है कि एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को बयान करने का एक और तरीका है कि एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी एक और तरह से हम कहें तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो करती है। मगर एंट्रोपी वेरिएबल को डिफाइन करने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ों में हम डायरेक्टली फिर एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं, और इसकी मदद से चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। A heat engine working according to second law of thermodynamics has 50% efficiency. What will be the temperature of its low temperature reservoir if high temperature reservoir is 327 degrees centigrade? हमने पता था efficiency होती है 1 minus Q1 over Q2. Sorry, Q2 over Q1. क्योंकि हम लेते हैं Q1 minus Q2, जो हमारी output work होता है, divide करते हैं उसको input के साथ, input heat के साथ. तो अगर हमें पता है कि एफिशिएंसी 50% है, तो इसका मतलब है कि Q2 ओवर Q1 50% है, 50% का उनका रेशो है, 50-50। तो इसका क्या मतलब है कि अगर, और ये जो हीट होती है ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो मैं इसको T2 ओवर T1 भी लिख सकती हूँ। T2 ओवर T1 अगर 50% है, तो इसका मतलब है कि T2 T1 का 50% है, इसको मैं अगर उस साइड पे ले जाऊं,
मुझे दिया गया है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर T1 जो है वो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 को फिर कितना होना चाहिए इसका हाफ। 327 का हाफ क्या होता है, तकरीबन अंदाजन हम अगर कैलकुलेशन करें तो 300 का हाफ होता है 150, और 25 का हाफ होता है तकरीबन 12 समथिंग। तो अगर अब मैं रेंज देखती हूँ, 600 बहुत ज़्यादा है, 327 का हाफ 600 नहीं हो सकता, 27 बहुत कम है, 127 हो सकता है और 300 हो सकता है। 300 327 का हाफ से ज़्यादा है इसलिए 300 नहीं हो सकता। 150 में अगर मैं अराउंड 12 ऐड करूँ तो तकरीबन 160-127 की रेंज बनती है, तो 127 होगा मेरा उसकी एफिशिएंसी। वन कैलोरी इज इक्वल टू, वन कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल्स के। ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है, ऑप्शन ए में कोई और यूनिट दी हुई है, डी में यूनिट लिखी भी नहीं है, और सी जो है वो वैसे गलत है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और हमारे पास चार ऑप्शन हैं जिनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हैं मगर डेसिमल का फर्क है और यूनिट्स भी सेम है। तो अगर आपको ये वैल्यू ना भी पता हो कि ये असल में 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन होती है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा कॉन्स्टेंट्स को और सब किस्म के साइंटिफिक नंबर्स को, तो साइंटिफिक नोटेशन ए ही ठीक है और बाकी सबकी साइंटिफिक नोटेशन ही गलत है, तो हम उनको वैसे ही गलत कर सकते हैं अगर हमें ना पता हो, और अगर हमें पता है तो फिर वो एक बहुत अच्छी बात है, 8.314 है। 1 kmol ऑफ गैस कंटेन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि उन्होंने 1 kmol पूछा हुआ है। नॉर्मली 1 mol के अंदर कितना होता है, 6.02 × 10⁻²⁻², ये 1 mol के अंदर होता है। अगर आप इसमें 1 kmol निकालना चाहते हैं 6.02 × 10⁻²⁻², के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस 23 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 10⁻³, तो ये बन जाएगा 10⁻²⁶, जो इसका करेक्ट आंसर है। हमें गलती कर सकते हैं अगर हम ये किलो मोल ना देखें और हम डायरेक्टली 1 mol का अमाउंट को टिक कर दें और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर प्रेशर ऑफ गैस इज दिस, बाय चेंजिंग टी टेम्परेचर प्रेशर इज इंक्रीज टू दिस, देन टेम्परेचर इज, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है एन आर टी, ये यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है। इस सवाल में कन्फ्यूजन ये है कि हमें ये नहीं बताया गया कि वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है या नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको इसका कोई और सोल्यूशन पता है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। हम वॉल्यूम को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है पी प्रोपोर्शनल है टी के, और प्रेशर हम देख रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन डबल कर दिया 2680 से 4870, तो इनके बीच में डिफरेंस ऑलमोस्ट 200 का आता है। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि टेम्परेचर को भी फिर डबल हो जाना चाहिए। जीरो पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डबल 273 का मुझे यहाँ पर ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल, एग्जैक्टली डबल नहीं, और ना ही प्रेशर एग्जैक्टली डबल हो रहा है। बाकी दूसरा केल्विन में ये डबल नहीं है, जीरो वैसे गलत है क्योंकि इसके साथ यूनिट नहीं दिए गए, और फ़ारेनहाइट वाला डबल नहीं है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से कई गुना ये ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए।